मैं तो वैसे ही आई थी, फिर कुछ लोग टूट पड़े, डिज़ाइन और डिज़ाइनर और ज्वेलरी और हेयर मेकअप उनको जाता है श्रेय। देखिए ये जो डिज़ाइनर है मिस्टर आनंद शाह, वो ज़्यादा शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते और बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं ग्लोबल लेवल पे, फिर भी बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। उनकी ज्वेलरी हमेशा नेचर इंस्पायर्ड होती है, गोल्ड होती है उनकी म्यूज़। और अभी भी आप देखें, उन्होंने एक बहुत आर्टिस्टिक पीस बनाया है जिसमें गोल्ड भी है, मोती भी है, और वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेड़ की किसी ब्रांच को लेकर उन्होंने एक शाखा बना के दी है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक वर्क। हिंदुस्तानी लड़कियां साड़ी में काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। मुझे क्यों चुना ऋचा जी का, मैंने अभी सुना था कांस के अंदर, तो मैंने कहा अभी सबसे हॉट तो यही है तो मेरी हॉट ज्वेलरी के साथ में बिल्कुल हॉट ही होना चाहिए। इस तरह की छोटी बिल्कुल मिनिमम और ओकेजन के लिए इस तरह की ज्वेलरी हो जाए तो बात ही क्या हो। बात ही क्या हो। जी अभी मैं कैबरे फिल्म पे काम कर रही हूँ, उसके बाद और देवदास और मैं और चार्ल्स रिलीज होंगी। फ्रीडम हिंदुस्तान की हर लड़की के लिए। हाँ ये मैं किधर ही। हिंदुस्तान की हर लड़की के लिए फ्रीडम का मतलब है कि सबसे पहले तो वो बस पैदा हो जाए, उसके बाद वो पढ़ लिख जाए, उसके बाद अपने पसंद का काम करे या अपने पसंद के इंसान से शादी करे। फिलहाल अगर इतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपके ऊपर जी रज़िया सुल्ताना, क्योंकि पहली स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर थी हिंदुस्तान की जहाँ तक मुझे पता है, और उनकी लाइफ पे और रोशनी डालने की ज़रूरत है। पहले हुआ था एक बायोपिक पर अभी और खूबसूरती से किया जा सकता है। पॉर्न का बैन तो चाइल्ड पॉर्न के साइट्स को ही बैन किया, अभी बाकी का तो लिफ्ट हो गया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई थिंक इट्स बेस्ट लेफ्ट टू द स्टूडेंट्स एंड द वीसी। द स्टूडेंट्स डोंट वॉन्ट द पर्सन हु इज बीन अपॉइंटेड, सो वॉट शुड यू एंड आई हैव टू डू विद इट? इट्स द स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग, इट्स द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग देयर, सो द चॉइस शुड बी लेफ्ट टू देम। टेक्निकली द पर्सन इज बीन अपॉइंटेड देयर फॉर देयर फॉर देयर कम्फर्ट, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर डिवेलपमेंट। इफ दे आर अनहैप्पी देन नोबडी एल्स शुड इंटरफियर। मुझे नर्वसनेस होती है हमेशा रैंप पे चलने से पहले, पर जाने के बाद आई एम कंफर्टेबल। देखिए इस खूबसूरत ज्वेलरी के साथ ऐसा ही अटायर कॉम्प्लीमेंट करता है कुछ अप्सरा की तरह, और ये नेचर इंस्पायर्ड है, ये भी बहुत एक अर्दी फील देता है। मेरी स्किन भी डस्की है, नॉट फेयर बट लवली। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I haven't seen Bajrangi Bhaijaan yet because I was busy with my son. No, I know what's happening, but I'm sure the government and on both sides will figure out what to do with the girl. And it's normally the people who don't want violence. It's always political and vested interests. Okay, thank you.